अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। लाड़काना से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अमानुल्लाह खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक आज वकला बरादरी ने पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली, जहां पर उन्होंने पीएस कंगा और पीएस नोदेरो पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकील जिसमें इम्तियाज़ अली जतोई, इस्माइल अबड़ू, मकसूद गोरड़, जावेद अहमद भुट्टो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सिंध पुलिस ने सियासी कमदारी जारी रखते हुए वकीलों से नाजायजियाँ कर रहे हैं। पीएस कंगा थाने पे मोहम्मद याकूब डहानी और मंसूर डहानी पे एडीसी की झूठी एफआईआर दाखिल कर दी है और हमारे वकील अहमद अली भुट्टो पे होने वाले हमले की एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। उन्होंने डीआईजी लाड़काना मजहर नवाज शेख और एसएसपी लाड़काना सरफराज नवाज शेख से अपील की है कि जो हमारे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, इनको ख़त्म किया जाए और हमारे ऊपर हमले की एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरी सूरत में मुकम्मल सिंध में वकला की तरफ से एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा।